नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर के फाजिल नगर के, ये पावा नगर है। और हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं जो नौका विहार बनकर तैयार हो रहा है, और हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध का मंदिर बनकर यहाँ पे तैयार हुआ है। तो आइए हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान बुद्ध का यहाँ पे मंदिर बनने का क्या रहस्य है। चूंकि ये जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, ये पहले यहाँ पे खेती लोग करते थे चारों तरफ से, आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे अभी भी खेती हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो नौका विहार एक बनकर तैयार हो रहा है। तो आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि भगवान बुद्ध का जो मंदिर बना है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से काफी ये इसको भव्य तरीके से यहाँ पे इसका रंग दिया जा रहा है। देख सकते हैं दीवारों पर जो है वो कलर कलर की जो पेंटिंग है कारीगरों के द्वारा किया गया है, फूल पत्तियां जो है चारों तरफ से लोगों को बैठने के लिए, जो पर्यटक है, जो आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं किया गया है। तो आइए हम सीधे यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान बुद्ध का जो यहाँ पे मंदिर बना है उसके पीछे का क्या रहस्य है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लगा उनको आके। क्या नाम है आपका? मनीष पोडिया। कहाँ पे आए हैं? आए हैं घूमने। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगापुर के। क्या क्या देखे हैं यहाँ पे? बहुत कुछ देखा है, मंदिर मंदिर है। पहले और अब में क्या बदला हुआ है? आइए हम यहाँ पे मौजूद हैं भगवान बुद्ध का, आप देख सकते हैं पीछे जो है वो मंदिर बनकर तैयार है। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर के पीछे का क्या रहस्य है। क्या रहस्य है भगवान बुद्ध का मंदिर? फाजी नगर पावा नगर में भगवान बुद्ध का जो ये मंदिर है बहुत प्राचीन स्थान है, और इसका इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है। जब महात्मा बुद्ध चीन से नेपाल और भूटान बांग्लादेश होते हुए जब भारत में आए, तो भारत भ्रमण में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी दौरान आकर इस गांव में यहाँ वो रुके ठहरे। और ये कहा जाता है, इसके पीछे जो बताया जाता है कि ऐसी ऐसी कहानी है, तो रुके और उनको यहाँ आने के बाद से इनको खाने में, जैसे उनके एक एक मुख्य एक उद्देश्य था, उनका एक लक्ष्य था, एक विचारधारा था कि जो भी चीज़ सामने आ जाएगा उसको खाना ही है। तो वो उनके सामने मांस ला के रख दिया गया और मजबूर होके तो सब जान गए कि मांस है, फिर भी उसको खाए। और खाने के बाद से यहीं से उनका तबीयत खराब हुआ और यहाँ से जाते जाते कुशीनगर में गए। कुशीनगर में जाते उनका तबीयत बहुत बिगड़ गया और वहीं अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन देखा जा रहा है जो इसका नाम दिया गया है नौका विहार, पावा नगर के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो कितना पहले और अब में बदलाव मानते हैं? पहले तो यहाँ कहने के लिए कुछ नहीं था, केवल ये रहस्य था, एक छोटा सा मंदिर था। लेकिन इस सरकार में बहुत इसका विकास हुआ है, एक तालाब को नौका विहार के नाम से उसका सौंदर्यकरण किया गया है, पूरे रास्ते लाइट और फूल पत्तियों से सजा कर इसका भव्य सुंदरकरण किया गया है, जिससे अगल बगल आसपास के गांव में जितने भी लोग हैं यहाँ एक बार घूमने देखने के लिए अगर फाजी नगर में आ रहे हैं तो अवश्य यहाँ पहुँच रहे हैं कि इसका जो सौंदर्यकरण है उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं लोग। इस नौका विहार से आसपास लोगों को क्या लाभ मिलेगा? इसे मिलेगा कि जो भी लोकल के क्षेत्र के लोग हैं, सुबह शाम आने से, यहाँ से टहलने से, घूमने से, यहाँ रुकने से एक शांति की अनुभूति होगी। एक ऐसे ही तीर्थ स्थान है, महात्मा बुद्ध शांति के संदेश वाहक थे और जहाँ भी इनकी कहती है वह शांति का कुंड कहा जाता है। तो शांति तो ऐसे ही मिलती थी, उसके बाद से जो ये वातावरण, जो स्वच्छता जो बना है, जो इसका सौंदर्यकरण हुआ है, इसे आने जाने वालों को एक बहुत। जैसा कि आपने देखा कि हमने धर्मेंद्र सिंह से जानने की कोशिश किया कि जो भगवान बुद्ध का यहाँ पे मंदिर बना है उसके पीछे का क्या रहस्य है, तो उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध ने यहीं पे आके इसी जगह पे उन्होंने आराम किया और यहीं पे उन्होंने खाना खाया, उसके बाद से वो कुशीनगर में जाकर अपना प्राण को त्याग दिए। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता कुशीनगर से।